हाय फ्रेंड्स, कोजी हेल्थ एंड आर्ट में आपका बहुत स्वागत है। क्यों ना इस साल हम घर पे ही राखी बनाने का कोशिश करें, तो चलिए देख लेते हैं। मैं आज बहुत ही आसानी से एक राखी बनाना सिखाऊंगी। मैंने पहले लिया है ऑरेंज कलर का ऊल, इसको देखिए कैसे दो उंगलियों से लपेट रही हूँ मैं। जितना हो सके उतना ही ज़्यादा फोल्ड कीजिएगा और इसको बहुत टाइट से पकड़िए और एकदम फोल्ड करते रहिए, घुमाइए। इसको बहुत थिक रखना है, बहुत ही अगर थिक रखेंगे तो इसका एंड्स जो है नहीं निकल के आएगा, बाहर नहीं आएगा। और ये मैं पम-पम बॉल जैसा बनाऊंगी, तो ये बॉल अगर थिक लेयर बनाएंगे ऊल का तो ही बहुत अच्छा बनेगा, बहुत ज़्यादा इसको मोटा, सॉफ्ट और फ्लफी भी बनेगा। तो इसको काट लिया मैंने एक सीजर के मदद से। अभी एक और दूसरा टुकड़ा मैंने पहले से काट के रखा था सेम कलर का ऊल का। तो ये देखिए कैसे मैं दो उंगलियों के बीच में इसको निकल के एक नॉट मार दूंगी, क्योंकि नॉट लगाने से क्या होगा, जो ऊल है ये सिक्योर हो जाएगा, बहुत आसानी से हम कट पाएंगे इसको, जो एजे से निकल के बाहर नहीं आएगा। आप चाहिए तो उंगलियों से निकल के भी नॉट मार लगा सकते हैं, पर मैंने ये आसान तरीका बताया कैसे, तो ये नहीं बिखरेगा जैसे है। अभी ये आसानी से हम कट पाएंगे इसको और एजेस जो है अलग कर पाएंगे। अभी फिर से टाइट दो तीन एकदम गांठ बांध लीजिए इसको, और फिर से सीजर के मदद से एकदम सारे जो फोल्ड से इसको आराम से काट लीजिए। जो एक्स्ट्रा पोर्शन है चाहिए तो ये अगर आने भी लगे तो इसको काट कर सकते हैं। ये राखी बहुत ही 5 मिनट के भी नहीं लगेगा इसे बनाने में, तो अभी दुकान जाना, दुकान मार्केट से राखी लाना मुश्किल है, तो इस टाइम हम घर पे ये राखी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है, पर दिखने में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये जो एजेस है इसको मैं इवन कर रही हूँ, जो एक्स्ट्रा पोर्शन है इसको मैंने काट के फेंक दिया है। अभी मैं कॉम्ब के मदद से जितने सारे जो धागे हैं इसको थोड़ा सा अलग कर दूंगी, तो ये और भी ज़्यादा फ्लफी दिखेगा और भी ज़्यादा सॉफ्ट दिखेगा। देखिए इसको काट के फिर से मैं थोड़ा थोड़ा जो धागा दिख रहा था आने पर इसको अच्छे से काट लिया, ताकि ये एक बॉल जैसा बहुत ही बढ़िया राउंड शेप में दिखे। और ये मैंने एक कंघी लिया कॉम्ब, इसको मदद से देखिए ऊल में जैसे धागा रहता है, तो जितना अच्छे से हम बहुत ही केयरफुली कॉम्ब करना है तो धागे अलग हो जाएंगे और ये बहुत ही फ्लफी दिखेगा और ये बिल्कुल भी तैयार हो जाएगा। अभी इसको आपके मनपसंद कोई भी चीज़ से आप डेकोरेट कर सकते हैं, चाहे तो मोती या कोई भी ज्वेलरी रहेगा। तो मैं इसके ऊपर बिंदी लगा रही हूँ, दो डार्क कलर का बिंदी मैंने ऐसे आइस के तरह लगा दिया, और एक मैंने लिप बनाई है रेड कलर का बिंदी काट करके। तो है ना, ये बहुत ही आसानी से राखी बनाना। और एक दूसरा भी मैंने पहले बना के रखा था येलो कलर का, ये देखिए हो गया।